खबर चिंचवाड़ा से है, जहां विधानसभा उपचुनाव में आचार संहिता लग गई है। इसके बाद भी भाजपा के वार्ड अध्यक्ष ने लोगों को बीजेपी को वोट देने के लिए पैसे बांटे हैं और पुलिस ने 1,70,000 नकद और वोटिंग स्लिप जब्त कर ली है। साथ ही पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चिंचवाड़ा से, जहां आपको बता दें विधानसभा उपचुनाव में आचार संहिता लग गई है। इसके बाद भी भाजपा के वार्ड अध्यक्ष ने लोगों को बीजेपी को वोट देने के लिए पैसे बांटे हैं। तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां आप देख सकते हैं ये जो रुपए हैं ये बांटने के रखे गए हैं और पुलिस ने इन रुपयों को जब्त किया है। साथ ही पर्ची भी जब्त की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कमल का फूल नजर आ रहा है और साथ ही कई पर्चे निकले हैं जिसमें कुछ नाम भी लिखे नजर आ रहे हैं। तो पुलिस ने 1,70,000 नकद और वोटिंग स्लिप जब्त कर ली है। साथ ही पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस इस बात की तलाश में जुटी है कि आखिर ये पैसे किसने भेजे हैं और किन लोगों तक पहुंचाने थे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज जुड़ चुके हैं। सूरज, अगर बात करें तो आचार संहिता लग गई, इसके बाद भी इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। बताया जा रहा है कि बीजेपी के वार्ड अध्यक्ष ने लोगों को पैसे बांटे, साथ ही उनके पास कुछ पर्ची भी मिली है वोटर लिस्ट की, क्या अधिक जानकारी? जैसे कि आप जानते हैं कल शाम 5 बजे आचार संहिता लग चुकी, उसके पश्चात के जो राजनी इलाका है उस इलाके में वो जो वार्ड क्रमांक 33 है उसका जो अध्यक्ष है बीजेपी का, उसने करीब 1,70,000 की रोकड़ लेके वोटर्स के घर चला गया और उधर पैसा वो बांट रहा था। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि नोटों भी दिख रहे हैं, करीब 1,70,000 की रोकड़ थी और साथ में जो पर्ची है वोटिंग के वो भी दिख रहे हैं, जिसके ऊपर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि वो जो पैसा था वो लोगों को कमल के लिए वोटिंग करने को दिया जा रहा था। सूरज, अगर बात करें तो ये जो रुपए जब्त किए गए हैं, साथ ही वोटर स्लिप भी जब्त की गई और कुछ लोगों को भी पकड़ा है, ऐसे में पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या पुलिस ये पता लगा पाई कि ये जो नोट है वो कहाँ लेके जाए जा रहे थे और इनके पास वोटर स्लिप किस लिए थी? जैसे पुलिस ने इन लोगों से बातचीत की तो 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, उन्हें सीआरपीसी के तहत नोटिस भी भेजा दिए गए। अभी तक वाकड़ पुलिस इस जांच में जुटी कि ये किस लोगों के पैसे है और ये लोगों को वोटिंग के लिए दिए जा रहे थे या किसी और के काम के लिए लाए थे पैसे। जी सूरज, अगर बात करें तो जिस तरह नोटों के साथ और वोटर स्लिप के साथ भाजपा के वार्ड अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है, ऐसे में भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है इस पूरे मामले को लेकर? जैसे भाजपा से जो पदाधिकारी उनसे बात करने की हमने कोशिश की, उन्होंने इस बात के मुद्दे को ऊपर बोलने के लिए साफ मना कर दिया है। जी जी सूरज, अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करेगी, क्योंकि ऐसे लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती हुई नजर आएगी? पुलिस अभी इस जांच में जुड़ी है कि ये किसने पैसे लाए थे और किस लिए लाए थे। जी, पुलिस ने आरोपियों को 149 के तहत सीआरपीसी का नोटिस भी दिया है और आगे की जांच वाकड़ पुलिस कर रही है। जी सूरज, धन्यवाद आपके स्कोर पर जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें जो है निकल के सामने आई है, जहां उपचुनाव में आचार संहिता लगने के बाद भाजपा के वार्ड अध्यक्ष जो है वो नोटों के साथ और वोटर स्लिप के साथ पकड़े गए। अब इस पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है।